हेलो लीव्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ अप्रैल 2022 की रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सब फोन में आते जिसको को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ अप्रैल में लियोस। और अगर आप मुझे मेरी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2022। फर्स्ट 10 days ऑफ अप्रैल फॉर लियोस, मिडिल 10 days ऑफ अप्रैल फॉर लियोस, लास्ट 10 days फॉर ऑफ अप्रैल फॉर लियोस। ओके, सो अंडरनीथ आपके पास है ए नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं कि बाकी अदर मैसेजेस क्या हैं। 10 of cups, द लवर एंड द जजमेंट। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप किसी हो सकता है किसी की तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रॉपर वे में आपकी तरफ नहीं आ रही। आप किसी की तरफ से अमेंडमेंट का या किसी की तरफ से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपसे आगे बात करे और रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप करे। और ये आपकी तरफ से ये लाइक ये आप जो है वेट कर रहे हैं किसी के लिए, या फिर आपकी लाइफ में थोड़ा पॉज है तो एक वेटिंग पीरियड है और आपने अपने आप को काम में बिज़ी किया हुआ है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो क्विक तरीके से आप तक आ सकती है इन मंथ ऑफ अप्रैल में, लाइक क्विकली आ सकती है। आफ्टर दिस पॉज आपने अपने आपको वेटिंग पीरियड पे रखा है, या फिर अगर इंतज़ार के बाद एक आपके पास एक वो पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आ सकता है और आपको लाइक अमेंडमेंट कर सकता है इस रिलेशनशिप में। फर्स्ट 10 days जो है अप्रैल के वो बहुत ही जो है इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहेंगे उसमें। हो सकता है आप अपनी मैरिज सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ सेलिब्रेशन है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ भी बेटर रहेगी और रिकन्सिलिएशन है यहाँ पर, लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट है, सेलिब्रेशन है। रोमांस वाइज भी आप लोग बहुत बेहतर चल सकते हैं, लाइक हो सकता है ये सेलिब्रेशन जो है वो आपकी रोमांटिक लाइफ को भी बेहतर बना दे आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आप जेमिनाई से डील कर रहे हैं, बट यहाँ पे मेजर रिकन्सिलिएशन है। लाइक जो चीज़ बिल्कुल डेड हो गई थी, आपको लगता था कि अब उसमें उसका कुछ नहीं हो सकता, वही चीज़ दोबारा से, वही रिलेशनशिप दोबारा से रिजरेक्ट हो रहा है और ये आपके लिए हैप्पी फुलफिलमेंट है। हो सकता है आप किसी कहीं पे इनवाइटेड हैं और किसी पार्टी में, या जैसे एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो वो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। फर्स्ट 10 days में हो सकता है 3 of cups, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 of pentacles। सो 3s आर हेयर, लाइक यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलना और एक दूसरे का लाइक सोशल गैदरिंग, अगर काम में है तो आप एक दूसरे के साथ आप काम में एक टीम वर्क के साथ काम करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप को बिल्ड करना, चाहे इमोशनली हो चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, प्रैक्टिकली हो। और आपकी लाइफ में ये हो रहा है थ्री लाइक मिडिल डेज में अप्रैल के, या फिर हो सकता है आपकी गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो इन मिडिल डेज में। और मिडिल डेज में आपकी फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी आपका जो पार्टनर है, लाइक जो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है और वो उस पर्सन के साथ जो है आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है।
ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बट इस वक्त वो अपनी फायरी एलिमेंट में है, लाइक एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक्शन लेना चाहता है टुवर्ड्स यू, लाइक, या फिर अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ एक्शंस हो रहे हैं जो कि आपको इमोशनल फुलफिल कर रहे हैं. जो फर्स्ट 10 डेज है उसमें आपको कोई सेलिब्रेशन है, कोई इमोशनली फुलफिल्ड चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता था कि नहीं हो सकती, वो उसकी आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट 10 डेज में. और मिडिल डेज में आप जो है आप इंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और आपकी बहुत ज़्यादा, और अगर आप कोई पास पर्सन है वो वापस आपकी लाइफ में आता है तो उसके साथ भी आपकी रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पर मेजर रिकन्सिलिएशन. लास्ट डेज में आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस. सो आप अपने पेनफुल सिचुएशन को एंड कर रहे हैं इन लास्ट 10 डेज में. लाइक अपनी जो आपकी वरीज हैं, जो कि आपका बैड टाइम था, वो एंड हो रहा है और आप एक परफेक्ट स्टेबल सिचुएशन में एंटर हो रहे हैं, या फिर और आपकी लाइफ जो है बैलेंस होने जा रही है हर तरीके से. पेशेंस हैं आप बहुत ज़्यादा पेशेंस होते जा रहे हैं, और आपकी जो लाइफ है वो पहले लाइक बैलेंस हो रही है. और ये कोई पर्सन भी हो सकता है, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रन, कैप्रिकॉर्न, वीगो. इस पर्सन के साथ आपकी जो है वो बैलेंसिंग हो रही है. इस पर्सन के साथ अगर आपका कोई बैड टाइम था, ये जो भी है अर्थ साइन, ये कोई लेडी हो सकती है आपके फैमिली में से कोई, या फ्रेंड्स में से कोई ऐसी लेडी जो कि अर्थ साइन पर्सन है, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, उसके साथ जो आपका बैड टाइम था, क्लैश थे, वो एंड हो रहे हैं और एक बैलेंसिंग सिचुएशन आ रही है. और या फिर आप अपने वर्क प्लेस में जो आपको डिफ़िकल्टीज थी वो एंड हो रही हैं, और आप अपने वर्क प्लेस में भी बेटर चल सकते हैं. लाइक जो भी जो जिस रिलेशनशिप, लाइक यहाँ पे मेजर रिकन्सिलेशन मुझे नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन और फैमिली गैदरिंग या फ्रेंड्स गैदरिंग है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने वाली सिचुएशन बन रही है फॉर लियो. सो देखते हैं कि आपकी रोमांस एंजल ओरेकल अब मैसेज आपके लिए क्या है लियोज. फाइनेंस, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. एंड यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. लाइक आपको लव भी मिल सकता है फर्स्ट 10 डेज में, कि आप लव डिज़र्व करते हैं, और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी लाइफ में जो भी रुकावट थी वो भी दूर हो सकती है. और चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज़ बींग अफेक्टेड बाई चिल्ड्रंस. लाइक अगर आपके चिल्ड्रंस की वजह से, चिल्ड्रंस के ना होने की वजह से आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी आपकी लाइफ में मसले मसाइल थे, तो चिल्ड्रंस के हवाले से जो भी मसले थे वो भी ख़त्म हो सकते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में. सो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. इफ इट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो. लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.